नमस्कार दोस्तों, महाभारत में भगवान कृष्ण ने कई बार कहा है जो अत्याचारी है, पापी है, अधर्मी है, उस पर कभी भी भरोसा मत करो। वो कभी भी धर्म का प्रचार नहीं कर सकता। हमेशा नेक इंसान का, सच्चे इंसान का दिल दुखाएगा, उसे धोखा देगा और हमेशा उसे गद्दी में धकेलेगा, हमेशा झूठ बोलेगा। दोस्तों, सेम टू सेम एक बार फिर भारत के साथ हुआ है। भारत पिछले एक महीने से बार बार कह रहा है कि चीन मेरा पड़ोसी है, चीन के साथ जो भी बॉर्डर का समस्या है सब हम सही कर लेंगे, बैठ के सब कुछ ख़त्म कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर से भारत को जोरदार झटका दिया है और ख़तरनाक प्लान बनाया है। और आप देखेंगे भारत सरकार को अब दोस्तों कुछ बड़ा फैसला लेना होगा। और दोस्तों, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीन का जो मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने दावा किया है कि चीन का सरकार यानी कि चीनी सैनिक दोस्तों केवल दोस्तों कुछ घंटों में, यानी कि चीन का हुबेई प्रांत है, हुबावे प्रांत से कुछ घंटों में दोस्तों भारत के जो बॉर्डर है दोस्तों वहाँ पे चीनी सैनिक आ गया है। भारत के बॉर्डर पे बहुत सारे चीनी सैनिक आ गया है, बहुत सारे टैंक आ गया है, बहुत सारे मिलिट्री का दोस्तों गाड़ी है, सब कुछ आ चुका है, हेलीकॉप्टर सब कुछ यहाँ पे उतार दिया है। और चीन ने यह दावा किया है, चीन ने एक वीडियो बनाया है और चीन ने पूरे दुनिया को दिखाया है कि हम केवल घंटों के भीतर में पूरे चीन के चारों तरफ सैनिक फैला सकते हैं और दोस्तों भारत के बॉर्डर पर शिफ्ट कर दिया है। दोस्तों, ऐसा चीन के ग्लोबल टाइम्स का कहना है। अब आप लोग पूछेंगे कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, चीन तो हमेशा प्रोपेगेंडा वीडियो बनाता है, पूरी दुनिया को धमकाता है, कई बार ऐसा किया है, ऐसा कोई बड़ी बात है नहीं। दोस्तों, ये बड़ी बात है, चीन और भारत के बीच दोस्तों आप जानते हैं पिछले एक दिन पहले यानी कि भारतीय कमांडर और चीनी कमांडर के बीच में मीटिंग हुआ था। दोस्तों, उस मीटिंग में क्या कहा था, दोनों सैनिक का सहमति बना था कि हम लोग आपसी सहमति से हम लोग शांतिपूर्वक सेना यहाँ से हटा लेंगे। जब दोस्तों इस तरह का बयान दोनों सैनिक ने दिया तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर सब समस्या खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी चीन अपना सैनिक यहाँ पर क्यों उतारा, इसका मतलब है कि चीन के नियत में खोट है। और दोस्तों, कितना बड़ा खोट है ये मैं बताऊँगा और चीन चाहता क्या है ये बताऊँगा और जान के आप हैरान हो जाएंगे कि चीन का प्लान बेहद ही खतरनाक है। जिस तरह से 1962 में प्लान था, 1962 से भी बड़ा दोस्तों प्लान चीन का इस बार आ चुका है। और चीन दोस्तों इस बार कुछ बड़ा करेगा, इस बार फिर भी धोखेबाजी देने से बाज नहीं आएगा। दोस्तों, चीन सब कुछ अपनाएगा, साम दाम दंड भेंट जो भी होगा वो सब अपनाएगा और भारत को धोखा देने के लिए बड़े से बड़े कड़े से कड़े फैसला लेगा। और दोस्तों, ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आखिर चीन का नीति क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं आखिरकार चाइना इतना बौखलाया क्यों है, क्या कारण है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं पिछले एक महीना से जब से भारत सरकार ने चीन को जवाब देना शुरू किया है उसके बाद छोटा मोटा सब देश अब सामने आ रहा है और चीन को घेर रहा है। सबको लग रहा है कि जब भारत चीन को बर्बाद कर सकता है, भारत चीन को झुका सकता है, तो हम तो चीन को झुका ही सकते हैं। और दोस्तों, इसीलिए यूरोप के कई सारे देश अब चीन के खिलाफ जमकर बोल रहा है। यहाँ तो दोस्तों अब देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया एक अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया भी दोस्तों चीन के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है। और इसी बीच दुनिया के 8 देश दोस्तों एक तहलका मचाया है, उसने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है IPAC। दोस्तों, उस ग्रुप का काम केवल चीन को बर्बाद करना है। उस ग्रुप में दोस्तों दुनिया के तमाम 8 खतरनाक कह सकते हैं, मजबूत कह सकते हैं, विशाल कह सकते हैं, ताकतवर कह सकते हैं दोस्तों, ये सब देश एक साथ आ गया है, जिसमें अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है दोस्तों, स्वीडन है, नॉर्वे है, यानी कि दुनिया के तमाम आप कह सकते हैं बेहद ही ताकतवर देश दोस्तों सब एक साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है IPAC। और उस ग्रुप का केवल काम है चीन को बर्बाद करना। अब आप पूछेंगे कि चीन आखिर बौखलाया क्यों है। देखिए, चीन को लग रहा है कि भारत जब से हमें एक महीना से हमें धूल चटाया है, हमारा औकात दिखाया है, उसके बाद छोटा मोटा देश का मन बढ़ गया है। दोस्तों, चीन को ऐसा लग रहा है कि भारत के कारण से ही छोटा मोटा देश का मन बढ़ा है और इसीलिए सब हमको घेर रहा है। तो इसीलिए चीन चाहता है कि भारत को हम पहले धोखा दें, उसके बाद फिर भारत पर हम कोई कार्रवाई करें और भारत को सबक सिखाएं। दोस्तों, ऐसा चीन का मानना है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या सबूत है। देखिए दोस्तों, पिछले ही दिन चीन का ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया था कि चीन सरकार अपना एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ने वाला है, भारत को एक इंच जमीन भी नहीं देने वाला है चाहे जो हो जाए। यानी कि चीन का कहना है कि भारत का अक्षा चीन पहले हम छीन लिए हैं, लेकिन अभी भी हमारा सैनिक जहां पर घुसा हुआ है, भारत की जिस सीमा में घुसा हुआ है, LSC पार किया हुआ है, वो भी जमीन हम नहीं देंगे। और दोस्तों, इसीलिए भारत सरकार भी इस बार एक्शन में आया हुआ है। और दोस्तों, आने वाले समय में आप देखेंगे भारत सरकार इस बार कोई बड़ा फैसला ले सकता है और चीन को सबक सिखा सकता है। तो दोस्तों, हम तो आपको बता रहे थे आखिरकार ये 8 देश का क्या प्लान है। देखिए, उसका प्लान यही है कि
चीन को पूरे दुनिया से अलग थलग करना है। और दोस्तों चीन घबरा के उस 8 देश को धमकी तक दे दिया। उसने कहा कि दुनिया में 8 देश हो या 10 देश हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब देश मिल जाए भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चीन को कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। ये चीन 20वीं सदी का चीन नहीं है, आज से 100 साल पहले का चीन अलग था, अभी का चीन अलग है, चीन अभी सुपर पावर है। दोस्तों चीन ने ऐसा धमकी ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया सबको दिया और बोला कि तुम 8 हो तो क्या हुआ, तुम 10 भी आ जाओगे तभी कुछ नहीं कर पाओगे, चीन अकेला सबके लिए काफ़ी है। दोस्तों ऐसा चीन के मीडिया ने कहा और चीन सरकार ने कहा। आप कह सकते हैं कि चीन किस कदर बौखलाया हुआ है और किस कदर डरा हुआ है। चीन को पता चल गया है कि अब पूरे दुनिया हमारे खिलाफ आ ही चुका है, इसीलिए अब कुछ करना होगा। इन सब के अलावा दोस्तों चीन ये भी जानता है, इस समय चीन बर्बाद हो चुका है, चीन बदनाम हो चुका है, पूरे दुनिया में चीन का हर जगह थूतू हो रहा है। तो चीन को अब ये लग रहा है कि अब कुछ करना होगा, चीन का इमेज बचाने के लिए किसी से लड़ना होगा। और दोस्तों चीन किससे लड़ सकता है, आप जानते हैं चीन का पड़ोसी कौन कौन है, एक भारत है, इन सब के अलावा दोस्तों रसिया है। तो आप जानते हैं रसिया चीन लड़ नहीं सकता है, क्योंकि रसिया से एक बार युद्ध हुआ था तो रसिया ने चीनी सैनिक को दौरा दौरा कर पीटा था। इन सब के अलावा दोस्तों रसिया वर्तमान समय में चीन का पूरा समर्थन कर रहा है, इसीलिए रसिया से कभी भी युद्ध कर नहीं सकता है। इन सब के अलावा चीन के 13-14 पड़ोसी देश है। और दोस्तों यहाँ पर चीन चाहता है भारत से उलझे। अब आप पूछेंगे कि चीन ऐसा क्यों चाहता है, देखिए चीन का उलझने का 2 कारण है। पहला कारण तो यह है, चीन जानता है अगर भारत को जिस तरह से पूरी दुनिया का समर्थन मिल रहा है, अगर उसी प्रकार से मिलता रहे तो आने वाले समय में भारत एशिया का दादा बन जाएगा और चीन का वैल्यू बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। इन सब के अलावा दोस्तों आप जानते हैं अमेरिका का कंपनी, जापान की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, ताइवान की कंपनी, साउथ कोरिया की कंपनी, दोस्तों हर देश की कंपनी अब भारत में आ रहा है, 1000 से अधिक कंपनियां भारत में आ रही है। तो चीन को लग रहा है कि अगर सारे कंपनियां भारत चली जाएगी तो भारत का अर्थव्यवस्था सही हो जाएगा, GDP सुधर जाएगा, वहां पे रोजगार चला आएगा। और दोस्तों चीन इसलिए भी बौखलाया हुआ है। इन सब के अलावा चीन को पता है अगर भारत को आज हम नहीं रोकेंगे तो कभी भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि भारत के समर्थन में आज पूरी दुनिया उतर चुका है और सब बोल रहा है कि भारत एक सच्चा देश है, एक अच्छा देश है, चीन एक धोखेबाज देश है। और दोस्तों चीन का इमेज बहुत ही गंदा हो चुका है। आप कह सकते हैं चीन वैसे तो यूनाइटेड नेशन के दोस्तों मेंबर है, लेकिन उसका कोई वैल्यू है ही नहीं, नाम के लिए यूनाइटेड नेशन का मेंबर है। भारत बिना मेंबर होते हुए भी सब कुछ कर सकता है, लेकिन चीन कुछ भी नहीं कर सकता है, यानी कि चीन का वैल्यू दोस्तों मिट्टी में मिल चुका है, इसलिए भी चीन बौखलाया हुआ है। अब आप पूछेंगे कि क्या चीन भारत से युद्ध कर सकता है, देखिए दोस्तों ऐसा संभव नहीं है, चीन बहुत ही डरपोक देश है। और चीन का इतिहास देखेंगे तो चीन इतिहास में केवल युद्ध हारा ही हारा है, 1900 से लेके 2000 ईस्वी तक देखिए दोस्तों जो भी युद्ध हुआ है सब में चीन केवल हरा ही हरा है। आप पूछेंगे कि भाई कौन सा युद्ध हुआ है, भारत से तो युद्ध जीत गया था 1962 में। दोस्तों 1962 के युद्ध में केवल भारत को धोखा मिला था। इन सब के अलावा उसके बाद देखिए तो 1967 के युद्ध में दोस्तों भारतीय सैनिक ने चीनी सैनिक को दौरा दौरा के पीटा था सिक्किम के नाथुला में और दोस्तों चीन को धज्जिया उड़ा दिया था। इन सब के अलावा दोस्तों 1969 में रूस और चीन का युद्ध हुआ, उस युद्ध में रूस ने चीन को जबरदस्त तरीके से हराया था। इन सब के अलावा दोस्तों 1979 में चीन और वियतनाम का युद्ध हुआ, दोस्तों सोचिए वियतनाम भी चीन को जबरदस्त तरीके से हराया था और चीन का 10,000 सैनिक मारा गया था। दोस्तों आप समझ सकते हैं छोटा सा वियतनाम चीन को धज्जिया उड़ा सकता है, तो समझिए किसे जीतेगा। और दोस्तों उसके बाद चीन कभी युद्ध किया ही नहीं, उसे पता है कि हम युद्ध करेंगे तो केवल हारेंगे ही। इन सबसे पहले भी दोस्तों 1937 में जापान ने चीन को बुरी तरह से हराया था और दोस्तों चीन के 3 लाख से अधिक आदमी को मार दिया था। चीन के 3 लाख से अधिक आदमी, बच्चे, सैनिक सबको जापान सैनिक ने जबरदस्त तरीके से मारा था, यानी कि दोस्तों दुनिया का सबसे खतरनाक युद्ध कहा जाता है। छोटा सा जापान चीन को बुरी तरह से हराया था, यानी कि चीन जब भी युद्ध किया है केवल हरा ही है। अब आप बोलेंगे कि आखिर भारत से युद्ध क्यों करना चाहता है, क्या कारण है जो भारत से उलझना चाहता है। देखिए दोस्तों चीन भारत से उलझना नहीं चाहता, चीन चाहता है भारत हमसे डरे, लेकिन भारत इस बार डर नहीं रहा है, इसीलिए चीन तो पहले भारत के पड़ोसी को उसका दिया, चाहे नेपाल हो, पाकिस्तान हो, इन सब के अलावा खुद मैदान में कूदा हुआ है। और चीन भारत को ये बता रहा है कि अगर आप नहीं संभले, अगर आप अमेरिका का साथ दिए, ब्रिटेन का साथ दिए, यूरोप का साथ दिए, तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। और हम अकेले नहीं करेंगे, आपके ऊपर पाकिस्तान भी करेगा, नेपाल भी करेगा, हम सब मिल के आपके ऊपर हमला करेंगे। और दोस्तों भारत को अभी से डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन ये बात सत्य है, जिस दिन भारत अभी भी युद्ध का ऐलान कर दे उस समय चीन दोस्तों पीछे भाग जाएगा। चीन को पता है कि अगर हम युद्ध करेंगे तो केवल हारेंगे हारेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों
चीन के पास एक और मौका है। चीन चाहे तो पाकिस्तान को कुछ फंड कर सकता है, कुछ पैसा दे सकता है, और पाकिस्तान में जितना जिहादी आतंकवादी है सबको जिहाद के नाम पे दोस्तों दोबारा से युद्ध लड़वा सकता है। चीन को पता है कि पाकिस्तान में कुछ पैसा दे देंगे तो पाकिस्तान में जो भी जिहादी आतंकवादी है जिहाद के नाम पे युद्ध कर लेगा और भारत से युद्ध करेगा और फिर युद्ध हार भी जाएगा। इसलिए दोस्तों चीन के पास पासा है, पहले चीन भारत को धमकाएगा, अगर भारत नहीं डरा तो भारत के पड़ोसी पाकिस्तान को उकसाएगा और फिर युद्ध करवा देगा। अब दोस्तों आप पूछेंगे भारत क्या करेगा। देखिए इस बार भारत सरकार जानता है, मोदी जी जानता है कि इस बार चीन को गर्दन पकड़ना है। दोस्तों मोदी को पता है कि अगर हम चीन का गर्दन पकड़ेंगे तो पाकिस्तान और जो भी छोटा मोटा देश है सब वैसे ही चुप हो जाएगा, यानी कि चीन का जितना भी प्यादा है एशिया में सब चुप हो जाएगा। सबको डर लग जाएगा कि जब हमारे गुरुदेव को भारत नहीं छोड़ सकता है, जब चीन को गर्दन पकड़ सकता है तो छोटा मोटा देश क्या करेगा। और दोस्तों भारत इसी फिराक में है, ईश्वर चाहता है कि चीन को धूल चटा ही दे, चीन को पहली बार चाहता है कि झुका दे, पूरे दुनिया से अलग थलग कर दे। और दोस्तों भारत इसी प्लान पे काम कर रहा है और इसीलिए भारत आज पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है।